प्रथमं शैलपुत्री च प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कंदमात्रेति पञ्चमं स्कंदमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं Namaste.
नमस्कार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम, आप सभी का सादर अभिवादन। अभी जो हमने देवी स्तुति सुनी वो डॉक्टर गायत्री सत्यनारायण जी ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए तैयार की थी और हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि कल से हमने ये अनुष्ठान प्रारंभ किया है कि हम 9 दिन तक माँ के अलग अलग रूपों की चर्चा करेंगे। इस नवरात्रि के अनुष्ठान में हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी के कारण जैसा नवरात्रि का उत्सव हमें मनाना चाहिए था वैसा नवरात्रि का उत्सव हम नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन भारत उत्सवों का देश है और भारत की उत्सव प्रियता सारे विश्व में विख्यात है। इसलिए भारतीयों को मालूम है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है। चुनौतियां कितनी भी आए, बाधाएं कितनी भी आए, अगर हमने ठान लिया है कि हमें उत्सव मनाना है तो हम उत्सव मनाएंगे। और इसलिए इस बार प्रत्यक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं तो इस आभासी माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से हम ये उत्सव मनाएंगे सबके साथ मिलकर। सबके साथ आप मिलकर। हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कल हमने माँ शैलपुत्री की कथा के बारे में, शैलपुत्री की आख्यायिका के बारे में, उनकी महिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। आज नवरात्रि पर्व का दूसरा दिन है जी, और आज का दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। दधाना कर पद्म नाभास्याम क्षमाला कलमंडलु देवी प्रसादित्यु मई ब्रह्मचारिण्युत्तमः। ये माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति में कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी दरअसल है क्या, उनका आविर्भाव, उनका उद्भव कैसे हुआ, क्या उनकी महिमा है, क्या उनकी कथा है, कैसे उनका वर्णन किया जाता है, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे मालविका जी से। मालविका जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि थोड़ी जानकारी हमें आप माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बताएं। जो भी कुछ अल्प मुझे मालूम है, जो इधर उधर से आख्यायिका सुन करके जो भी कुछ मैंने जाना है, वही आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। और ये जो है ब्रह्मचारिणी, ये देवी का दूसरा रूप है। कल एक रूप के बारे में हमने बात की, शैलपुत्री, और आज जो है वो ब्रह्मचारिणी। अब जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि जब सती यज्ञ कुंड में चली गई, उनने अपना प्राण त्याग कर दिए, वो मतलब वहाँ पे ख़त्म हो गई, उन्होंने अपना सब छोड़ दिया, शंकर जी अकेले हो गए। शंकर जी के लिए तो उनको फिर से जन्म लेना ही था, है ना। शंकर पार्वती, वो शिव और शक्ति कैसे नहीं पूरे होते। तो जब ये वो नहीं रही और मतलब सब कुछ बंद, तो शिव जी के पास सब गए और बोले कि भाई आप ऐसे क्या कर रहे हैं भगवान। तो वो बोले, शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, इस बात को सब लोग ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है जी। तो उसका होना बहुत जरूरी है। और यही मतलब पूरी ये 9 दिन की जो कहानियां हैं उसमें हर बार आपको लगेगा कि मैं शक्ति की बात कर रही हूँ, कि शिव ने शक्ति का आवाहन किया, शक्ति को बुलाया, शक्ति के साथ रहे। तो ये हर बार है। तो तब शक्ति का उद्भव हुआ। तो अब हम देखते हैं कि वो कहाँ पैदा हुई। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हिमालय राज जो थे उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और वहीं से उनकी पुत्री की प्राप्ति हुई। पहला रूप जो था वो हमने कल देखा, शैलपुत्री। अब जब हिमालय की कन्या जब बड़ी होने लगी, लड़कियां बड़ी होती हैं, माता पिता को चिंता होती ही है ब्याह की, हाँ। तो अब ये तो सती तो पार्वती का ही रूप है, कहाँ जाएंगी?
चाहिए तो शंकर जी ही। तो शंकर जी कैसे मिले? तो नारद जी वो आए और नारद जी ने कहा कि यदि तुम उन्हीं को अपना पति चाहती हो, शंकर जी को, तो तुम्हें तपश्चर्या करनी पड़ेगी, और ऐसी वैसी नहीं, कठिन तपस्या। अब आप प्रेम देखिए और प्रेम का जोर देखिए कि पार्वती जी, मतलब वो जो हमारी ब्रह्मचारिणी, ये बेचारी कन्या जंगल में जा करके और हजारों वर्ष तक उन्हें तपस्या की, पहले जंगल के फल फूल ये खाके रही, उसके बाद हजारों वर्ष फिर सिर्फ साग शाक जो होता है, हरी पत्ती, हरी पत्तियां ये सब खाके रही, बेल पत्र खाके रही। और एक समय आप समझिए कि उस पूरी जो उनकी तपस्या थी, उसमें एक समय ऐसा आया जब उन्होंने सब कुछ, यानी वो जो पत्तियां खा रही थी वो भी छोड़ दी, वो पत्र खाना भी छोड़ दी। जी हाँ, और इसीलिए उनका एक नाम और है जो कि बहुत सुंदर है, वो है अपर्णा। हाँ। यानी बिना पर्ण के, बिना पर्ण के, जी जी। तो वो अपर्णा नाम हुआ। अब इस तरह से इतने इतने वर्ष चले गए तपस्या के, तो सारे देवी देवता इतने ज्यादा खुश हो गए, आनंदित हो गए, विभोर हो गए, और उन्होंने कहा कि अब ये तपस्या खत्म होनी चाहिए। तो तपस्या का खत्म कैसे होगा? फिर नारद मुनि गए, नारद मुनि ने शुरू करवाया था। नारद मुनि गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने अपने ऊपर इतने ज्यादा तपस्या के प्रभाव को ले लिया है कि तुम तो कुशकाय हो गई हो, एकदम बहुत ही कृशकाय, कमजोर जी जी, और सब तुमसे बहुत प्रसन्न है, तो अब समय आ गया है, तुम जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं और तुम्हारा वर भी है, वही होगा तुम्हारा वर, चंद्रमौली, यानी शंकर जी।, जी तो इस तरह से उन्होंने शंकर जी को पाया। पर अब हम जब उनके स्वरूप की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा एक रूप, पर बहुत ही दिव्य, जो चमक उनके चेहरे पर है, जैसे कि उनका नाम बताता है, उनके नाम से ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्म का अर्थ एक और एक है, ब्रह्म जो जड़ी बूटी, ब्राह्मी जिससे बुद्धि तेज होती है, तो ये ब्राह्मी भी उन्हीं के द्वारा दी गई है। जब वो जंगल में गई और उन्होंने सब चीजें देखी, तो ये ब्राह्मी भी उन्हीं ने हमको दी, तो ये भी उनके नाम के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ब्राह्मी आपकी याददाश्त बढ़ाती है, आपके स्वर को मधुर करती है। तो ब्रह्मचारिणी का को सरस्वती का भी एक स्वरूप माना गया है। उनके एक हाथ में होता है कमंडलू, दूसरे हाथ में होती है जप की माला, जी। तो एकदम एक योगिनी का स्वरूप, और मतलब क्या कहें, उनको देखकर आप इतने ज्यादा समर्पित, इतने आनंदित हो जाते हैं, मतलब ये जो रूप है ये खुशी देता है आपको, आपको शांति देता है। एक और विशेष बात बताता हूँ, ये जो रूप है देवी का, ये दरअसल एकाग्रता का प्रतीक है। जिस तरह से देवी ब्रह्मचारिणी जो है तपस्या करती हैं, तो एकाग्रता का प्रतीक, एकाग्रता के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देवी ब्रह्मचारिणी की बात। एक बात और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देवी का ये जो स्वरूप है, ये आपको बताता है कि किसी कठिनाई से घबराना नहीं, मतलब आपको आगे ही बढ़ते जाना है, सब कठिन चीजों को, यानी एकाग्रता के साथ धैर्य और धैर्य के साथ संयम, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक है, और वैराग्य भी, वैराग्य भी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, विशेषकर आज की परिस्थिति में, आज जब हम आभासी माध्यम में आपके साथ बात कर रहे हैं, एक विशेष कठिन परिस्थिति में,
तो वो कौन से गुण है, वो जो कौन सी चीजें हैं जो हमको थामे रखती हैं, हमको साथ में बांधे रखती हैं, वो है धैर्य, वो है संयम। हम संयम कैसे रख सकते हैं? बार बार कहा जा रहा है कि संयम से रहिए, संयम। हम सबके पास सब चीजें हैं, सारे संसाधन हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है जो हमें बाध्य कर रही है संयम से रहना। परिस्थिति ऐसी है जो हमें सिखा रही है थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धीरज रखिए। कोई थोड़े से धीरज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम सबके भविष्य के लिए, हम सबके सुख के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जो आज की जो हमारी माँ ब्रह्मचारिणी की जो कथा है, या उनका जो दृष्टांत है, या उनका जो स्वरूप है, वो विशेष रूप से आज की परिस्थिति में, कोरोना काल की जो परिस्थितियां उपजी हैं, उस कोरोना काल की परिस्थिति में हमारे लिए बहुत प्रेरक है। और बहुत प्रेरक इसलिए भी है क्योंकि वो हमें तप का बल देती हैं। हम क्यों कहें कि हम लोग तपस्वी नहीं हैं? आप बताइए, पिछले 6 महीने से 8 महीने से हम सब भी कोई ना कोई तप तो कर ही रहे हैं, कोई ना कोई साधना तो कर ही रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि हमने उस तप को कोई नाम नहीं दिया, कोई साधना को नाम नहीं दिया, लेकिन इस कोरोना काल में हमें से शायद प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से कोई ना कोई तप किया है, कोई ना कोई साधना की है, और निश्चित तौर पर उसका हमें सही फल मिलेगा, निश्चित तौर पर हमें उसका सही प्रतिदान माँ देवी, माँ ब्रह्मचारिणी देने ही वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो स्वरूप है आज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक बात और बताऊं कि ये जो स्वरूप है, आज दूसरे दिन आप जैसे हमें भी देख रहे हैं, हम नारंगी रंग के कपड़ों में बैठे हुए हैं, तो आज इस रंग का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो ये है कि नारंगी रंग जो है वो आपको स्फूर्ति देता है, उल्लास देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, उत्साह देता है, ये सब तो है ही। और साथ में जो आपके शरीर के जो चक्र हैं, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप शैलपुत्री की आराधना करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र के लिए रहता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और वैसे ही आज रंग से कई लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है, नारंगी रंग का चक्र, बिल्कुल नाभि से 3 अंगुल नीचे, वो भी नारंगी रंग का होता जी। है, तो वो नारंगी रंग का वो चक्र बहुत सुदृढ़ होता है। तो देखिए कैसे देवी के साथ हमारा शरीर, मतलब हमारा जो शरीर है वो भी देवी का ही। और वैसे कहा जाए तो गेरुआ एक तरह से ब्रह्मचर्य का, वैराग्य का, साधु संत ऋषि मनीषी भी गेरुए वस्त्रों में रहते हैं, और गेरुए वस्त्रों में ही हम देखते हैं तपस्वी भी तप करते हैं, लेकिन एक जो तेज का प्रतीक है, जो ऊर्जा का प्रतीक है, वो ये गेरुआ रंग है। तो इस दृष्टि से एक तरफ तो कहाँ ब्रह्मचारिणी जी का सादा सीधा सादा सात्विक स्वरूप है, और कहाँ ये गेरुआ रंग है जो उन्हें एक तेज प्रदान करता है, जो आभा प्रदान करता है। मुझे एक बात याद आ रही है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो कांवड़ होते हैं जी, वो मैं जब छत्तीसगढ़ में थी तब ये वाला जो अनुष्ठान था इसमें बहुत कांवड़ दिखते थे, कांवड़ भी, तो और यात्री के बारे में, यात्री या, के बारे में ये बड़ा रोचक सा दृष्टांत है। और मुझे लगता है कि सभी देवी माँ के स्थानों पर ये दृष्टांत हमको देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। वो है एक देवी के स्थान से लोग दूसरी देवी के स्थान तक यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, मीलों लंबी यात्रा, रात रात भर पैदल चलते हैं, दिन भर पैदल चलते हैं। और कई कई बार तो मैंने देखा है, मुझे मालूम है कि माँ दंतेश्वरी दंतेवाड़ा में है और माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़ में है, तो कुछ लोग दंतेवाड़ा से यात्रा प्रारंभ करते हैं और अनुष्ठान ये करते हैं कि हम 9 दिन में डोंगरगढ़ पहुंचेंगे, यानी माँ दंतेश्वरी से हम माँ बमलेश्वरी तक जाएंगे। कुछ लोग रतनपुर जाते हैं, महामाया देवी के दर्शन करते हैं और रात रात भर पैदल चलते हैं। रात रात भर पैदल चल के लोग पता नहीं कहाँ से इतनी ऊर्जा उनके अंदर आती है, कहाँ से उनकी शक्ति आती है, ये भी एक आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब बच्चे रात रात भर चल रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन चल रहे हैं, पर उत्साह में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। और मैंने देखा है युवा और कम आयु के बच्चे भी इस पूरे के पूरे अनुष्ठान में ऐसे रम जाते हैं जैसे कोई, मतलब उनको एक अलग से शक्ति, अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। तो ये मुझे नहीं लगता इस बार कोरोना में कितने लोग यात्रा कर रहे होंगे, कितने लोग जा रहे होंगे इस अनुष्ठान के लिए। ये शायद मैंने इससे पहले जो कांवड़ यात्राएं श्रावण मास में हुई थी
तब शायद कहीं पढ़ा था कि कांवड़ यात्राएं इस बार नहीं होंगी और नहीं भी हुई, तो मुझे इस बार मेरे मन में ये प्रश्न था कि क्या देवी माँ के लिए लोग इस तरह से अभी पैदल जा रहे होंगे। और एक और बात है जो मालविका जी बहुत रोचक है, मैं ये बात जैसे कल मैंने आपको कहा था कि दीपक जो जलता है देवी माँ के मंदिर में, जो दीपक जलता है तो हम अक्सर पुरोहित जो पूजा करते हैं या अनुष्ठान कराते हैं हम उनकी तो आराधना करते हैं, हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो उस लौ को जलाने का काम करते हैं, अहर्निश जो सेवा करते हैं उन लौ के लिए, ज्योत ज्योत बोलते हैं ज्योत के लिए। वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे यात्री रात दिन पैदल चलते हैं, उनकी सेवा और शुश्रूषा करने के लिए जगह जगह पर भंडारे होते हैं, जगह जगह पर लोग खाना लेकर तैयार रहते हैं, कुछ लोग पानी लेकर तैयार रहते हैं, कुछ लोग उनके लिए औषधियां, कुछ लोग ग्लूकोज या इस तरह की चीजें लेकर तैयार रहते और हैं। उसमें सबसे अच्छी बात जो थी, एक बार जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम चल के वहां तक नहीं जा सकते, पर जो जा रहे हैं उनकी सेवा करके कम से कम उसका एक अंश अंश तो प्राप्त कर लें। और कई लोग तो नंगे पैर जाते हैं, मैंने तो देखा है अधिकतर लोग नंगे पैर यात्रा करते हैं, कौन सी ऐसी शक्ति उन्हें मिलती है हम जानते हैं। देखिए ये अक्टूबर का महीना है, कोई बहुत ठंडा महीना नहीं है, सड़क तपती है, हम सब जानते हैं सड़क तपती है, भीषण गर्मी होती है, तो उस तपती सड़क पर नंगे पैर जाते हैं, तो कई लोग सिर्फ जो नंगे पैर यात्री जा रहे होते हैं उनके पैरों को पखारने का, उनके पैरों को साफ करने का, उनके पैरों को आराम देने का काम करते हैं, और मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है, वो भी बड़ा बहुत बड़ा संतोष का काम है। तो ये जो अनुष्ठान है, ये नवरात्रि का पर्व है, ठीक है हम एक जगह देवी माँ की आराधना करते हैं, देवी माँ की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो अपनी तरह का एक अनुष्ठान है ही, लेकिन ये जो सारे उस अनुष्ठान के प्रसंग से बहुत सारी जो गतिविधियां हमारे समाज में होती हैं, जो हमें ऊर्जा देने का काम करती हैं, जो हमें प्रेरणा देने का काम करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो उस अलौकिक आनंद की सृष्टि करती हैं, उसे देखने की बात है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारत जो है वो अद्भुत परंपराओं का देश है, भारत में अनुष्ठान सिर्फ अनुष्ठान प्रासंगिक अनुष्ठान नहीं है, वो मानसिक अनुष्ठान है, वो सांस्कृतिक अनुष्ठान है, और इसलिए बहुत सारे लोग जब इसको कर्मकांड कह देते हैं, बहुत सारे लोग जब इसको रिचुअल कह देते हैं, बहुत सारे लोग जब इसको कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस है, तो मुझे कई बार उनकी बुद्धि पर तरस आता है, क्योंकि भारत को अगर जानना है, इस देश को अगर जानना है, तो उसकी भावात्मक एकता और इसके भावात्मक स्वरूप को जानना होगा, और ये सिर्फ किसी एक धर्म विशेष संप्रदाय विशेष का अनुष्ठान नहीं होता, सभी धर्म जाति संप्रदाय सभी के लोग इसमें जैसा जैसा उनको बन पड़ता है वैसे वैसे वो उसमें भाग लेते हैं, उतनी ही ऊर्जा से भाग लेते हैं, उतनी ही ऊष्मा से भाग लेते हैं, इसमें न धर्म का बंधन है न जाति का बंधन है, पता नहीं हम जहाँ बैठे हैं कौन साथ में खाना खा रहा है, न कोई फाइनेंशियल स्टेटस, कोई इकोनॉमिक स्टेटस का भी कोई सवाल नहीं होता, भंडारा है, देवी माँ का भंडारा है, और भंडारे में सब लोग साथ हैं, तो सब लोग साथ मिलकर जब ऐसा अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे एक अलौकिक आनंद की सृष्टि प्राप्त होती है, उस अलौकिक आनंद को देखने का, उस आनंद को समझने का, उस आनंद को अनुभूत करने का जो अवसर है वो ये नवरात्रि का अनुष्ठान है। मुझे लगता है कि हमें अनुष्ठान को उस दृष्टि से देखना चाहिए, नवरात्रि के पर्व को अगर हम उस दृष्टि से देखेंगे, उस दृष्टि से हम समझेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। एक छोटी सी बात मैं और कह देना चाहता हूं इसी अनुषंग में, बहुत सारे लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, मैं भी 9 दिन का उपवास रखता हूं, लेकिन चैत्र नवरात्र में रखता हूं, शारदीय नवरात्र में नहीं रखता हूं, पर ये जो उपवास रखने की भी जो परंपरा है वो भी आपको एक तरह का संबल प्रदान करती है, आपके अंदर एक तरह की संयम जी और संयम और एकाग्रता प्रदान करती है, आपके अंदर एक निश्चय करती है, और इसीलिए कई बार जब लोग कहते हैं कि मैं निश्चय करके फला चीज छोड़ रहा हूँ, निश्चय करके ये चीज नहीं खाऊंगा, निश्चय, तो मुझे लगता है ये सारी जो शक्ति है वो भी हमें कहीं ना कहीं उपवास से प्रदान होती है। कहीं कई लोग तो सिर्फ पानी पी के दो जोड़ी लौंग पर रखते हैं, कई लोग सिर्फ मठा या छाछ या दूध पीकर रखते हैं, कई लोग सिर्फ नींबू के पानी से, नींबू हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो सिर्फ नींबू पानी पीकर पूरे 9 दिन
व्रत रख लेते हैं, तो ये शक्ति कहाँ से मिलती है? और उसके बावजूद पूरा काम करते हैं, उसके बावजूद पूरी ऊर्जा से अपने काम में लगे रहते हैं। ये जो अद्भुत शक्ति है, मुझे लगता है ये माँ देती है, और उस माँ को ये शक्ति जब वो प्रदान करती है, तो इसलिए उस माँ का स्मरण करना, उस माँ को नमन करना, उस माँ की अनुभूति करना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। और शायद इसीलिए माता रानी ने हमको भी ये प्रेरणा दी कि हम आपके साथ इस अनुष्ठान को कहीं ना कहीं बांटें, इस अनुष्ठान की आपके साथ कहीं ना कहीं चर्चा करें। कल हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। आज हमारे साथ सर्जना एकेडमी फॉर डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के भी लोग जुड़े हैं। मूलतः वो जूम पर इसको लाइव करना चाहते थे, लेकिन तकनीकी अड़चन हुई, पर हमें लगा कि जैसे देवी माँ की ये इच्छा है, तो इसी इच्छा से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसा भगवान रखे वैसे ही हमें रहना चाहिए। तो सर्जना एकेडमी फॉर डिज़ाइन एंड फाइन आर्ट्स के भी हमारे जो साथी हैं सुनील शुक्ला जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी हमें प्रेरणा दी। निश्चित तौर पर उनके भी फेसबुक पेज पर इसे हम लोग साझा कर रहे हैं। कल आपके साथ हम फिर होंगे। कल एक और माँ के स्वरूप की हम लोग चर्चा करेंगे, और हम सब लोग जानते हैं कि कल जो है वो माँ का चंद्र घंटा का स्वरूप है, उसको हम जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, और आपके साथ थोड़ी देर वार्ता करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब ने इतने प्रेम से, स्नेह से, उत्साह से हमारा साथ निभाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्तुति करिए जी। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।